क्या बोलती है चेन्नई की पब्लिक। आज टूर्नामेंट नंबर 13 का दूसरा दिन है और मेरे साथ में टोटल 52 मिनट आ पाए हैं। एक दो टीम नहीं आ पाई, लाइक फीसिस नहीं आ पाई है और कुछ टीम के बंदे ज़्यादा नहीं आ पाए, लाइक शायद इसी में नहीं कर मैच। चलो तो टाइम के लिए तो हमने बहुत ज़्यादा वेट किया लोगों का, कल का जो मैच था वो टीम मैन कोर्स ने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स के साथ में जीता, उनके किल 9 थे। और जो सेकंड नंबर पर टीम थी टीम इनिशिएटिव स्पॉट जो कई दिनों के बाद हमारे से वापस चुनी है उसने 17 किल्स की थी, पर फोर्थ पोजीशन नहीं थी उसको बट उसने 17 किल्स किए। सेकंड पर थे टीम एपेक्स वाले और थर्ड पर थे टीम आई टी वाले। अब देखना ये कि आज कौन सी टीम्स टूर्नामेंट जीतती है। ओके, इसी के साथ में हम देखते हैं कि कौन कौन सी टीम्स कूद चुकी है। लगभग प्लेन में अपनी आधी उड़ान पूरी कर चुकी है और यहाँ पर टोटल 16 टीम्स कैसे हो सकती हैं। ओ हो, वाटिंग थी सिंह साहब और एलेक्स कोसी ये लास्ट में ये शुरू करने के बाद आए, इनके क्या करें, इनके किस तो बहुत टीम के बाद मुझे दूसरी टीम को किल खराब कर सकते। रवि बिल्कुल अकेले उतरे, हो सकता है आज प्लेसमेंट कोड लेने में हासिल हो। नसीम एचेने को सबसे पहले यहाँ पे अपना दिया, ठीक है, टीम एपेक्स के बंदे ने नसीम एचेने को यहाँ पर नोकआउट कर दिया। ओके, टीम एपेक्स, ओके, बूट कैंप उतरते हैं लोग, बूट कैंप पे टीम एपेक्स भी उतरी थी। तो टीम नंबर 12 भी वहीं उतरी है जो कल की विजेता टीम थी। ओके, एपेक्स ने यहाँ से उनको इम्बोनो नॉकआउट किया था बट ओके, एक और फाइट कहीं हो गई है और टीम 10 के ऊपर फाइट हो गई। यहाँ पर देखते देखते ये रही टीम 10, यहाँ पर भी एक फाइट हो चुकी है, इनके दो बंदों को नॉकआउट कर दिया। सामने वाली टीम कौन थी, सामने वाली जो टीम है उसका नंबर है टीम नंबर 14 यानी कि टीम भिवंटी के साथ में लड़ाई हुई। टीम भिवंटी का एक बंदा नॉकआउट हुआ है और इनके दो बंदे नॉकआउट हुए, इसी के साथ में टीम भिवंटी के दो बंदे नॉकआउट हो गए हैं। और टीम एचएनए 2 का जो बंदा है दूसरा बंदा कौन मार रहा है भाई, ये आर के रैम्बो, ये अपने दोनों बंदे बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पर टीम एचएनए का क्या हाल है, टीम एचएनए के दो बंदे मारे जा चुके, एक बंदा नॉकआउट है और उनका जो दूसरा बंदा है रॉक पांडे वो कहाँ पर है, वो उनको बचाने के लिए जा रहे हैं, देखते बचा पाते कि नहीं बचा पाते। क्या कर रहे हैं, बचाने की कोशिश तो शुरू कर दी बट यहाँ से ऊपर से आर के रेम्बो आ चुके हैं और हो सकता है किल कंफर्म कर दें यहाँ पर आकर। नो, आर के रेम्बो का पोजीशन नहीं पता जिसकी वजह से टीम एचएनए के अविनाश शायद रिवाइव हो जाएंगे और बट मुश्किल है क्योंकि बंदे जो है वहाँ पर इनको पुश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और हम वापस चलते हैं टीम एचएनए के पास, नसीम को रिवाइव मिल चुका और नसीम पूरी तरीके से खड़े हैं यहाँ पे टीम एपेक्स से और पीछे की तरफ टीम नोक जैसे कि हमने बताया वेयर हाउस में टीम मैनफोर्स भी आई हुई है। यहाँ पर टोटल 3 टीम्स हैं और अभी सारे टीम्स के सारे बंदे अलाइव हैं कि दो बंदे कहाँ पर हैं। ओके, दो बंदे यहाँ पर हैं, कोई फूड प्रिंट नहीं देने के फिराक में नहीं है और बिल्कुल सेफ खेलने के चक्कर में है। टीम एपेक्स ने कल बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया था, इसके लिए डरना बिल्कुल ही ज़रूरी है। रॉक पांडे ने फाइनली को यहाँ पर नॉकआउट किया टीम नंबर 14 के यहाँ पर 10 के साथ में, रॉक पांडे ने यहाँ पर नॉकआउट किया बट रॉक पांडे को पीछे से आकर एम्बो ने नॉकआउट कर दिया। और अब बचे इनके अविनाश अकेले, देखते हैं अविनाश क्या कर पाते हैं आज। अविनाश कहाँ पर है, अविनाश को 1v4 करने की जरूरत पड़ जाएगी, अविनाश मुश्किल है, अविनाश 1v4 नहीं कर पाएंगे, देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा लो है अविनाश, अपने आप को बचाना भी बहुत मुश्किल होगा इनके लिए। फाइनली 1v4 नहीं कर पाए और एक बंदे को नॉकआउट किया था बट जिसको इजीली लोग बचा लेंगे, देख लेते एक मरतबा क्या कंडीशन है। ओके, इनके बिल्कुल बगल में टीम एनआईएफ
इन्फिनिटी जिनके तीन बंदे ही आ जा पाए मैच में, ये लोग इनकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं ताकि एक फाइट में दूसरी फाइट का फ़ायदा ले उठा सकें। और ओहो यहाँ पे इनका एक बंदा मारा जा चुका। फाइनली मरते मरते रॉक पांडे ने एक किल कन्फर्म कर कर निकले यहाँ से। बहुत बढ़िया, क्या एक किल कन्फर्म हो गई उनकी। तो ये बंदे क्या कर रहे हैं देखते हैं। एनएच कोसी के टीम मेंबर 4 के बंदे हैं फ्लो के, और सिंह साहब का नाम याद नहीं आ रहा कल कौन सा टीम में थे ये। निको भाकर निकल चुके हैं, बट बैटमैन का क्या हाल है, बैटमैन फंस चुके हैं शायद। शमशाद को यहाँ पर वापस से, ये रहे शमशाद को नॉकआउट किया है वहाँ पे एपेक्स ने। अननोन को भी नॉकआउट कर दिया उनकी एक टीम ने। सलमान रिवाइव दे रहे हैं बट अननोन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया वहाँ से, और टीम एपेक्स ने फाइनली एक किल अपना कंप्लीट किया यहाँ पर बूट कैंप में। सब ज़्यादा अच्छे ने बहुत लो हील कर रहे हैं, ड्रिंक वगैरह नहीं उनके पास। फिर से नसीम एजेंट को नॉकआउट किया यहाँ पर उन्होंने। बहुत संभाल कर खेल रहे हैं टीम एपेक्स वाले और एक ही जगह से खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। फाइनली नसीम एचनी को भी पूरा ख़त्म कर दिया इन्होंने और दो किसिंग की कंप्लीट हो गई। अब सलमान बच्चे अकेले देखते हैं। टीम नंबर 12 भी शायद यहाँ पर नज़दीक की तरफ आ गई। हाँ कंपाउंड में टीम नंबर 12 भी आ चुकी है। बहुत बढ़िया पोजीशन बदल के शमशाद को बहुत इजीली किल कर दिया, नॉकआउट कर दिया है। अब अकेले बच्चे सलमान, देखते हैं सलमान क्या कर पाते हैं। ज़बरदस्त पोजीशन बदल के खेल रहे एपेक्स का। ये रेस घमाने चाहिए अपने पोजीशन को एकदम संभाल कर लेते। ओके यहाँ पे विक्रम एवन के साथ इनकी, यहाँ पे दूसरी टीम के साथ में फाइट हो गई इनकी, और विक्रम एवन को नॉकआउट कर दिया कल के मेन फोर्स वाले बंदे को। और मेन फोर्स का एक बंदा नॉकआउट पड़ा है बट उसको बचा लेंगे बहुत ही ईजिली। आशु शायद नाम है, आशु बचा रहे हैं। यहाँ पर टीम नंबर 14 के साथ में फाइनली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर टीम नंबर 14 के 13 के साथ में लड़ाई हो चुकी है, और इन्होंने एक बंदे को यहाँ पर नॉकआउट कर, साजी को नॉकआउट कर दिया टीम इन्फिनिटी के एक बंदे ने, और बहुत दूर से नहीं कंपाउंड में वो भी आ चुके हैं। अब साजी दीदान जो है खुले में हो ना बहुत बढ़िया जगह पर थे, पोजीशन बचाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी के साथ में ये रही हेल्थ किट, किसी को चाहिए तो उठा लो यहाँ से। ये रही बाजू में स्मोक भी पड़ा है, और यहाँ पर आर के रेम्बो को भी नॉकआउट कर दिया है इन्फिनिटी ने। बहुत मुश्किल वक्त टीम इन्फिनिटी की, और टीम भिवंडी के ऊपर, टीम भिवंडी के दो बंदे नॉकआउट पड़े हुए हैं। एक बंदा रिवाइव हो चुका है बट उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन है, और जैकेट वगैरह भी ख़राब हुई होगी। तो इसी के साथ में इन्फिनिटी का एक बंदा पुश करने के लिए तैयार, और वो आगे वाले पत्थर के पास आकर खड़ा हो गया है। एंड्स लाला कौन से टीम में थे यार? ओके एंड्स लाला फ्यूरी की टीम में थे। प्लस के साथ में इनकी फाइट हो गई और उन्होंने नॉकआउट कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे एंड सालों को नॉकआउट किया टीम रश ने, और टीम रश के एक बंदे ने, टीम रश के एक बंदे को यहाँ से नॉकआउट, और टीम इन्फिनिटी फाइनली वहाँ पर एक बंदे को खा गया पूरे तरीके से टीम, और दूसरे बंदे को भी वहाँ पर खा गया, इसके साथ में टीम खत्म शायद इनकी। फ्यूरी निशाना वगैरह बैठे यहाँ पर टीम 14 को एक बार देख रहे हैं। टीम 14 शायद खत्म या बची। ओहो टीम 14 के साजिद ईजान अभी बचे हुए हैं, देखते हैं साजिदन क्या कर पाते हैं। साजिदन अकेले बचे, इनके पास हेल्थ नहीं है शायद, और टीम इन्फिनिटी को ढूंढ रहे हैं बहुत ईजी तरीके से। टीम रेडन ने, इन्फिनिटी के रेडन ने ढूंढ लिया उनको और शायद ख़त्म कर देंगे इजीली। पीछे की तरफ भाग रहे हैं बट मुश्किल है। साजी दिन टीम भी ऑनडी ख़त्म। इसके साथ में वापस हम चलते हैं, यहाँ पर फाइट चल रही थी फ्लो फ्यूरी की।
टीम फ्लो की विथ टीम रस के साथ। टीम रस का जो बंदा रस शामी है वो बच गए हैं किसी तरीके से, और फ्यूरी के जो बंदे जो नॉकआउट हुए थे एंड सलाला वो भी बच चुके हैं, तो दोनों टीम में से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और हार्टलेस यहाँ पे पूरा फुल फ्लैंक करके बैठे हुए, अगर इनको चांस मिले तो ये इजीली किल निकाल लेंगे यहाँ से टीम। ओहो ये देखना ज़रूरी था, ये देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, इतना ज़रूरी कि मैं आपको बता नहीं सकता। दो मछलियाँ कहो या दो मगरमच्छ कहो, ये है हमारी। और फाइनली यहाँ पे हार्टलेस ने एंड लाला को वापस से नॉकआउट कर दिया। एंड लाला यहाँ पर पड़े हुए नॉकआउट, और एंड लाला को हार्टलेस, मैंने बताया था हार्टलेस पूरा का पूरा फ्लिंग करके लेटे हुए, अगर यहाँ से कोई बाहर निकलता है तो वो किल कंफर्म करेंगे। और फाइनली उन्होंने एक किल नॉकआउट किया है, और उनको बचाने के लिए शौरव सोनू विनाश पीछे की तरफ से आ चुके हैं और एंड लाला को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बचा लेंगे इजीली। और यहाँ पर क्या चल रहा है आगे की तरफ, फ्यूरी उनको पीछे की तरफ रोक के रखे हुए हैं, किसी को पुश करने के लिए नहीं दे रहे। रस सामी सामने से निकले हैं और फ्यूरी के लिए बहुत, मैंने पिज्जे से बता दिया था फ्यूरी ने उनको छोड़ेंगे नहीं, बहुत ईजीली किया। और यहाँ पर पीछे की तरफ से टीम नंबर 19 को किसी ने किल कर दिया है यहाँ पर, रश नूब को भी नॉकआउट कर दिया यहाँ पर, और बहुत ही ईजीली यहाँ पर फाइनली बहुत ईजी तरीके से वो सोनू विनाश आए और उनके कर दिया। फाइनली यहाँ पे उनके सारे बंदे किल हो गए और टीम रस जो है यहाँ पर ख़त्म हो गई है। टीम रस जो यहाँ पर ख़त्म हुई 11वीं पोजीशन पे, पूरे 0 किल्स के सामने ख़त्म हो गए। और टीम फ्यूरी को यहाँ पर अफजल एजेन को यहाँ पर नॉकआउट किया, अफजल एजेन यानी कि टीम सत्रह को किसे नॉकआउट करके ख़त्म कर दिया। और उनको जो ख़त्म किया है वो टीम वाले जो है वो एनएलएच कौशिक ने, इनके ओके सिंह साहब ने ख़त्म किया। एक किल इनका काउंट नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, बट यार एक टीम का किल इन्होंने खा गया। और बिल्कुल सामने की तरफ ड्रॉप है, और ड्रॉप मंगाया किसने है, ड्रॉप मंगाया टीम एपेक्स ने। इन्होंने यहाँ पर इनके साथ में जो मेन फोर्स के साथ में लड़ाई हो रही थी उसको ख़त्म भी नहीं किया यहाँ पर, और दोनों के दोनों अभी एक ही कंपाउंड में, बट पीछे की तरफ भागते हुए निकल रहे हैं ये लोग। एपिक सयान की फाइनली फाइट हुई, एपिक सयान और टीम नंबर 17 के एपिक सयान को पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया, टीम नंबर 17 को ख़त्म कर दिया एक्चुअली हमारे देखने से पहले। टीम नंबर 1 ने ख़त्म किया यार, इनको 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 किल नहीं करना चाहिए था यार, बट उनका एक और बंदा था। टीम 17 पे टोटल कितने बंदे थे, टीम 17 पे 3 बंदे थे, एपिक संजू को किसने ख़त्म किया, एनएलएच कोर्सिक ख़त्म हो चुके हैं, कहाँ ख़त्म हुए नहीं पता। इसी के साथ में अभी भी 9 टीम्स गेम में, टीम एपिक्स के सारे बंदे यहाँ पर हैं। ओके ये बंदा गाड़ी देने गया, और कौन से टीम से यहाँ पर सिंह साहब अकेले जो लेटे हुए हैं यहाँ पर लूट रहे हैं, शायद एपिक्स आया नहीं, हुज्जू की पेटी है। अब देखें मैच में जो टोटल 8 टीम्स कितनी बची है, 9 टीम्स कौन कौन सी है, एट तो कोई टीम ही नहीं है, टोटल 8 टीम बची, मतलब टीम एंड टीम फ्यूरी की टीम बची है 3 बंदे के साथ में 4 किल करके, टीम इन्फिनिटी 3 किल्स के साथ में, दूसरी आपू निको जी ने कहा नॉकआउट किया आशु, मतलब कौन सी टीम है यार ये, ओके टीम वही थी टीम नंबर, अरे नाम क्यों भूल जाता हूँ यार मैं, ये रहे आशु यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चनों को ख़त्म किया। टीम निको के और कौन से बंदे जो बचे हुए हैं, टीम निको और बैटमिन दोनों को ख़त्म कर दिया। इसके साथ टीम एच एन एन मिट्टी ख़त्म हो गई बहुत ईजी तरीके से, जो अभी पानी में मगरमच्छ और मछली की तरह घूम रही थी। टीम एपेक्स वाले जहाँ पे जोन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल उनके सामने की तरफ ही मेरे को पोजीशन मिल रही है उन दूसरे बंदों की, जो टीम नंबर 12 थी जिनकी उनसे पहले फाइट हुई, बट वो पानी के उस तरफ है तो कोई फ़ायदा नहीं। ओके टीम ए टी एफ यहाँ जेंट्स बाबा खेल रही है तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है। ओके सेफ पिंग की वजह से दरवाज़ा लेट हुआ,
ATF अभी तक एक किल कर पाई है। ग्रोस गेमिंग के एक बंदे ने यानी कि टीम नंबर 11 का जो बंदा है इसने यहाँ पर जस्ट सामने एपेक्स के एक बंदे को नॉकआउट किया है और ओके बिल्कुल बिल्कुल करीब नॉकआउट किया है और वहाँ पर उसने बहुत ज़बरदस्त एक ग्रेनेड भी कर दिया है। हो सकता है ग्रेनेड से इनको नुकसान पहुँचे बट नहीं, इन्होंने अपने आप को बचा लिया और अगर ये पुश करते हैं अभी तो शायद उस टीम के लिए खतरा हो जाएगा। ग्रोस गेमिंग फाइनली एपेक्स वो बच गए हैं और सिंह साहब को वहाँ पर पीछे हर्षद ने मार दिया, अच्छा किया। टीम नंबर 11 के जो दो बाकी जो तीन दो बंदे ऊपर की तरफ है और यहाँ से टीम नंबर 12 उनको भागते हुए एकदम क्लियरली नज़र आ रही है, जोन की तरफ आ रही है वो टीम और इनको यहाँ से अगर ज़बरदस्त पोजीशन मिलेगी, अगर यहाँ से इनको अगर शॉट मिल जाता है तो इजीली वो टीम्स को वहाँ पर गिराने का उनको ईजी पड़ जाएगा। देखते हैं क्या कर पाते हैं। टोटल 60 टीम बची है अभी, 7 यानी कि अभी जो मेरे सामने जो टीम ख़त्म हुई कौन सी थी, जो सबसे लास्ट अभी मेरे सामने टीम ख़त्म हुई वो थी ओके ये वाली। टीम ATF, टीम एनफोर्स्ड, टीम ऑब्स्टर, टीम जेड गॉड, टीम एपेक्स, टीम इन्फिनिटी और टीम फ्लो। देखते हैं कि कौन सी टीम आज चिकन डिनर का हकदार बनती है और नीचे से जो बंदे आ रहे हैं कोई बंदे हैं क्या नीचे की तरफ, हाँ हैं तो बंदे ऊपर दूसरी तरफ इस तरफ है। टीम नंबर 4 के बंदे अभी भी जोन के बाहर हैं। एंड्स लाला ने एपेक्स उम्मो को यहाँ पर नॉकआउट किया। ये लोग अलग टीम की जो बाकी जो टीम है वो दूसरी तरफ है और बहुत ही ईजी किल अभी कंप्लीट कर लेंगे लोग, किल तो कर दिया। अगर यहाँ से निकल भी जाते हैं तो भी किल ऑटोमेटिकली इनका कन्फर्म हो जाएगा। टिम्बर और किलर दोनों को ख़त्म कर दिया और इसी के साथ में ऊपर की तरफ इनके बिल्कुल ऊपर की तरफ टिम्बर 11 है। पोजिशन के चक्कर में कि अगर उनको अगर स्पॉट मिल जाए किल करने का तो इजी तरह से किल कर देंगे। और टीम ATF जो सामने की तरफ पहले से बैठी हुई है जोन के अंदर फिराक में, अभी तक एक किल है इनका सिर्फ। टीम नंबर 9 को अभी तक नहीं देखा। ओके इनके भी आज 3 ही बंदे आ पाए और इन्होंने ड्रॉप लूट कर इनके पास M249 है यानी कि एक ही स्प्रे में पूरी की पूरी टीम लेने की ताकत। बहुत ईजी इनको किल मिल रहा है। एपेक्स तहा के यहाँ पर टीम नंबर 11 के साथ में फाइट हुई और एपेक्स रिव्यू फ्लास ने एपेक्स तहा को ईजीली किल किया और उसके साथ में उनका जो दूसरा बंदा था उसको भी ख़त्म कर दिया। एपेक्स कौन सा था वो ध्यान नहीं दिया मैंने। इसी के साथ में टीम एपेक्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गई टीम नंबर 7th पोजीशन पर और जो बाकी टीम नंबर 11 है जोन की तरफ भाग रही है। इनके बिल्कुल बगल में एक और टीम है टीम नंबर 4 भी इनके आगे से ही जोन में भाग रही है। टीम नंबर 12 यहाँ पर पहले से जोन के एज पर अपनी पोजीशन बना के रखी है। टीम ATF जोन के अंदर है और टीम नंबर 7 यहाँ पर टीम इंफिनिटी यहाँ पर रियो फ्लैश की फाइट कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर आवाज़ तो यहाँ पर आ रही है। टीम नंबर 11 कहाँ पर है,
टीम नंबर 11 को ख़त्म कर दिया। अरे भाई देखने भी नहीं दिया। टीम नंबर 11 सॉरी अब ख़त्म हो गए हमारे देखते हुए। और अब यहाँ पर टीम इन्फिनिटी की फाइट यहाँ पर सामने वाली टीम से। ऊपर टीम नंबर 12 का बंदा पोजिशन लेकर बैठा है इन्फिनिटी के सामने। बट इन्फिनिटी और बस टीम किंगफिन को ख़त्म कर दिया उन्होंने अपने M416 से। टीम इन्फिनिटी के दो बंदे यहाँ पर हैं। उसको मैन नोक अगर मिस्टर नोक है वो उसका नाम ध्यान नहीं दिया। ओके अभी टोटली 11 बंदे बचे हैं टीम फ्यूरी के दो बंदे। मिस्टर नोक को फाइनली एंड सलाला ने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट करके शायद ख़त्म ही कर दिया। इसके साथ टीम नंबर 12 ख़त्म। अब टोटल 4 टीम्स बची है मैच में सिर्फ। और बहुत बढ़िया स्कोर था टीम इन्फिनिटी को जस्ट यहाँ से इन्होंने नॉकआउट किया। सिर्फ सॉरी टीम ATF के बंदे को नॉकआउट किया। और यहाँ पे एंड्स बाबा को यहाँ से सैयद तहरीर ने नॉकआउट कर दिया वहाँ से। और बिल्कुल यहाँ से इनका एक बंदा नॉकआउट हो गया। यहाँ से इनको टीम नंबर 9 का एक बंदा यहाँ पर नॉकआउट कर दिया। जोन बिल्कुल सामने है और अब इनको बचाने के चक्कर में इनकी हेल्थ चली जाएगी और खुद भी परेशान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और सामने यहाँ पर टीम फ्यूरी बहुत ज़बरदस्त पोजीशन में ऊपर की तरफ से एक आध शॉट अगर कन्फर्म हो गया सामने टीम को ख़त्म कर दिया। यहाँ पर टीम 9 का ये दो बंदे जोन के अंदर नॉकआउट है और तीसरा बंदा। ओके फाइनली टीम 9 ख़त्म हो गई पूरी। दो टीम्स बची है 4 बंदे के साथ में। ये एक है टीम फ्यूरी और दूसरी है टीम इन्फिनिटी। देखते हैं कि दोनों में से कौन सी टीम आज कमाल करके दिखाती है। टीम फ्यूरी की कल की पोजीशन 16 थी, आज वो सेकंड तक पहुंच चुकी है ऑलरेडी। देखते हैं कि आज फर्स्ट अपने आप को लाने में कामयाब होती है कि नहीं होती है। और टीम इन्फिनिटी की कल की पोजीशन 4th थी, देखते हैं कि आज ये फर्स्ट आती है या सेकंड आती है। टीम इन्फिनिटी का बढ़िया प्रदर्शन है और टीम इन्फिनिटी के पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। आज के पॉइंट्स के साथ में शायद टीम इन्फिनिटी पॉइंट नंबर 1 पर आ जाएगी। टीम इन्फिनिटी के दोनों बंदे यहीं पर हैं। फ्यूरी को नॉकआउट कर दिया, जोन में जाने की ज़रूरत थी फ्यूरी को और इसी की वजह से 1v2 हो गया है। दोनों बंदे सामने की तरफ अभी भी जोन के बाहर हैं टीम नंबर 4 के सोनू अविनाश। और देख पाते हैं क्या होता है। ग्रेनेड बिल्कुल सामने। ग्रेनेड से मर गए पता था मुझे। के साथ में फर्स्ट पोजीशन टीम इन्फिनिटी, सेकंड पोजीशन टीम फ्यूरी, थर्ड पोजीशन रैम्बो जेड गॉड। ओके जेड गॉड मैंने पहले रैम्बो रखा था टीम का नाम। थर्ड फोर्थ पोजीशन टीम ATF है। चलो पॉइंट टेबल आपके अभी देते थोड़ा।